हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे कि कल यानी कि मंडे 7 मार्च को बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंस लेवल रहेंगे, कहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं और कहाँ से अपने को अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए, बहुत ही लॉजिक के साथ समझिएगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 34,000 का जो लेवल है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ काम कर रहा है। मतलब जैसे 34,000 पे आ रहा है, मार्केट यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है, यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है, यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ये 3-4 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है 34,000 का लेवल को, और अभी जो मार्केट का सीनेरियो भी देख रहे हो बहुत ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे चांसेस है कि 34,000 के नीचे अगर 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का कैंडल अगर क्लोज कर देता है तो अपने को बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है वैसे अपने को रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन हम लोग चार्ट पे जब भी देखेगा तभी हम लोग डिसीजन लेंगे, हम लोग ऐसे सोच नहीं लेंगे कि अभी मार्केट में नेगेटिव चल रहा है। चार्ट पे अपने को क्लियरली मेंशन हो जाएगा जब भी ऐसा फॉल या कुछ रहेगा तो, ठीक है। और अगर आप अपर साइड देखोगे तो अपर साइड 35,000 का लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 35,200 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड नहीं होगा हम लोग बड़ी क्वांटिटी में एग्रेसिव बाई नहीं करेंगे। अभी हम लोग बाइंग करेंगे तो भी स्मॉल क्वांटिटी में बाई करेंगे और स्मॉल टारगेट रखेंगे, क्योंकि जब तक मार्केट 35,200 के ऊपर नहीं आएगा अपने को बाइंग मोमेंटम मिलेगा नहीं, ठीक है। और अभी मार्केट है सेल ऑन राइज, मतलब जैसे ऊपर जाएगा ऊपर से सेलर एक्टिव हो रहे, मार्केट को नीचे खींच के लेके आ रहे, जैसे कि आप लोग ने फ्राइडे को देखा था। अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, वहाँ पे लोग देखते हैं कि अब फ्राइडे को मार्केट ने कैसे मूवमेंट किया था, क्या हम लोग के रीजंस थे जो हम लोग ने लास्ट में एग्रेसिव पी बाई करने दिया था, बहुत ही बड़ा टारगेट दिया था, उसके पीछे क्या सिंपल सा लॉजिक था। तो चलिए हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे आ गए। तो भी बेसिक रीज़न ये था कि 34,000 का लेवल यहाँ पे है तो उसको ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 500 पॉइंट ऊपर ट्रैवल करके आ रहा था। तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी टाइम भी कुछ स्पेंड किया नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता तो चांसेस रहता था कि 34,000 के लेवल को ब्रेक कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिनट स्पेंड किया, उसमें भी यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना दिया था, उसके बाद से मार्केट ने ऑलरेडी अपसाइड मोमेंटम दे दिया था। तो यहाँ पे रीज़न ये था कि 35,000 को ब्रेक करना मार्केट के लिए मुश्किल था, क्योंकि 34,000 ऑलमोस्ट 900-800 पॉइंट्स का मोमेंटम करके मार्केट अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता और 35,000 के ऊपर जाता तो मैं कॉल साइड बाइंग में इंटरेस्टेड रहता था। लेकिन अगर यहाँ पे 35,000 जैसे सीधा निकल जाता तो मैं कभी कॉल बाई करता ही नहीं था, क्योंकि मार्केट अगर मेरे रेंज में रहेगा, मेरे सेटअप में अगर मार्केट बैठेगा तो ही मैं एंट्री लूँगा कुछ। और यहाँ पे मैंने 34,555 के ऊपर बाइंग करने दिया, मेरा टारगेट यही था कि कल का क्लोजिंग मतलब प्रीवियस डे का क्लोजिंग तक मार्केट जाएगा, लेकिन मार्केट ज़्यादा ही ऊपर चला गया, उसके लिए फिर मैंने कॉल का कुछ डाला ही नहीं। और उसके बाद मैंने पी इसीलिए डाला था कि और एक रीज़न मार्केट का यह था कि 35,000 ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स 1,000 पॉइंट्स का मूवमेंट किया था, तो चांसेस आ वेरी है कि 35,000 से रिट्रेस करेगा, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स का पुल बैक आएगा ही। और आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि पुल बैक आया था मार्केट में और अच्छा खासा अपने को पी साइड मोमेंटम मिला था, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे और एक चैनल भी बन रहा है, लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक चैनल में मार्केट फंसा हुआ है, जो कि यहाँ पे डिसेंडिंग एक पैटर्न बन रहा है मार्केट का। ये यहाँ से ऊपर साइड हो गया अपना सप्लाई जोन हो गया, कि यहाँ जब भी ये लाइन को मार्केट टच करता है, ठीक है, ये लाइन को जब भी मार्केट टच करता है तो यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते हैं, और जब भी ये लाइन को मार्केट टच करता है जो कि डिमांड लाइन है अपना, यहाँ से डिमांड बढ़ जाता है मतलब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, सिंपल, ठीक है। तो मार्केट अभी जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलेगा अपने को फिर से बड़ा मोमेंट नहीं मिलेगा। तो अभी मार्केट में तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो फिर फ्लैट ओपन हो सकता है, या फिर गैप अप, या फिर गैप डाउन। तो हम लोग तीनों कंडीशन में मार्केट को समझेगी अपना बेस्ट मोमेंट कहाँ पे रहेगा, कहाँ से हम लोग अपना ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन रहेगा कि हम लोग यहाँ से कॉल या पुट बाय कर सकते हैं। तो एक तो ये रेंज हो गया चैनल ब्रेकआउट, चैनल ब्रेकआउट देने के लिए बहुत ही बीच में अभी मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो चैनल का डिमांड एंड सप्लाई लाइन बहुत ही ऊपर है, ठीक है। तो इतना हम लोग वेट नहीं कर सकते, इतना वेट किया तो अपना जो मोमेंटम है वो तो ऑलरेडी मिस हो गया है। तो अभी मार्केट फ्लैट होता है तो रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट जगह है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए, ठीक। तो अभी मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 34,376 पे, तो मार्केट किधर ये रेंज में मार्केट अगर ओपन हो जाए, मार्केट किधर ये रेंज में मार्केट अगर ओपन होता है जो कि है अराउंड 34,666 का, और डाउन साइड अराउंड 34,300 का राउंड फिगर पे पकड़ लो, ठीक है। तो अपर साइड अपने को ब्रेकआउट देगा अगर 34,666 के लेवल्स को ब्रेक करेगा यहाँ पे अपर साइड, तो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 34,817 का,
कॉल साइड, और हम लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे कॉल। जब तक 35,200 के ऊपर ट्रेड होना मार्केट चालू नहीं हो जाता, सेकंड टारगेट अपना रहेगा 34,956 का और थर्ड टारगेट अपना रहेगा 35,094 का। ये अपने तीन टारगेट रहेगा बाइंग साइड, और सेलिंग साइड अपने टारगेट रहेगा जब भी 34,303 को ब्रेकआउट देगा डाउन साइड, तो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 34,176, सेकंड टारगेट अपना रहेगा 34,049 एंड थर्ड टारगेट अपना रहेगा 33,916 का। ये अपने तीन टारगेट सेलिंग साइड रहेंगे। अभी मान लो कि मार्केट ना फ्लैट ओपन हुआ, क्योंकि पिछले 4-5 दिन में आप देख रहे हो तो मार्केट कभी फ्लैट ओपन हुआ ही नहीं है, तो अभी मार्केट गैप अप ओपन हो गया अराउंड 35,000 पे, तो सिंपली मैंने जो लेवल्स बताया 35,000 के ऊपर, 35,200 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड होना चालू हो जाएगा या फिर 35,000 के लेवल को होल्ड करेगा 30 मिनट्स या 35 मिनट्स अराउंड, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं। अराउंड 150-200 पॉइंट्स का अपना फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, 35,400 जितना और 35,000 ये हाई तक अपना टारगेट मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टारगेट एम मत करना, कम से कम अपने को दिन में 50-60 पॉइंट्स भी मिल गया तो दैट्स मोर देन इनाफ, ठीक है। और सेलिंग साइड में सेम, जब भी 34,000 के पास अगर मार्केट ओपन हो जाता है अराउंड 300-400 पॉइंट डाउन ओपन हो जाता है, तो अपने सेम यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो अपने टारगेट्स हो जाएंगे 33,800, 33,650। डाउन साइड अपने को अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि 34,000 लेवल इज़ वीक, ऑलरेडी मार्केट ने टेस्ट कर लिया है बहुत बार, तो लेट्स सी तो मंडे के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और ये अपने इंपॉर्टेंस लेवल रहेगा, जब भी मार्केट ये आज का जो प्रीवियस डे का मतलब फ्राइडे का जो हाई और लो ये जब भी क्रॉस करेगा मार्केट, तो अपने को अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ये हाई के पास अगर मार्केट कोई बियरिश कैंडल बनाता है, हैमर टाइप या डोजी टाइप, और उसके बाद बियरिश कैंडल का फॉलो थ्रू मिलता है, तो हम लोग उसका हाई रख के, हाई को SL रख के हम लोग वहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। एम रखो कि ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, सेकंड टारगेट 100 पॉइंट्स का रहना चाहिए, ठीक है। 35,000 यहाँ पे अभी ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो उसके बाद नीचे अभी ट्रेड होना चालू हो गया, तो 35,000 को अभी जो सपोर्ट था वो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, मेरा टेलीग्राम लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। उस पर ऑलरेडी मैं लाइव मार्केट में भी लेवल्स देते रहता हूँ और ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉल्स भी देते रहता हूँ। तो थैंक यू, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।